हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीएससी के लास्ट सेशन में, दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सारे सिग्नल्स होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड उसको एक वैल्यू में स्टोर कर देते हैं। अब अगर मैं एनालॉग की बात करूँ तो वो बहुत सारे वैल्यूज ले सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो वो जो वैल्यूज लेगा वो डिस्क्रीट लेगा, यानी कुछ में लेगा, एक पैकेट्स में लेगा एंड देन उसको डिस्प्ले करेगा। तो वो जो भी सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले हो, वो कन्वर्टर क्या करता है, सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड देन डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, जो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड इसमें मैं क्या करने वाली हूँ दोस्तों, जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स है ये चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कवर अप करने वाली हूँ, ताकि आपको ब्लॉक डायग्राम्स इजीली याद हो जाए एंड देन उसके साथ हम बाकी के चीज़ों के साथ प्रोसीड करेंगे। आई नो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बट हमें टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम उसको काफ़ी खींच नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ चुके हैं, उनको कवर अप करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट एंड द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आज हम पढ़ने वाले, दैट इज DMM, यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर। अब ये मल्टीमीटर क्यों, देखो मैंने ना BW के लेक्चर में एक चीज़ कवर अप की थी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वी यूज वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर एंड उसी तरह जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए वी यूज ओहम मीटर। तो ये सब सारी चीज़ें एक ही कंपाउंड यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है, तो उसको हमें पता है हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, उनके पास है ना येलो कलर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, येलो हो गया, आई गेस मैंने येलो देखा है तो मैं येलो बता रही हूँ, आप लोगों ने शायद कुछ और देखा होगा। तो वो येलो कलर के इंस्ट्रूमेंट में उनके पास दो एंड होते हैं एंड वो दो एंड से वो वोल्ट मीटर, करंट, रेजिस्टर सब मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर कर लेते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट के इसमें ना डायल रहता है ना इंस्ट्रूमेंट में, वो जो डायल है उसको वो रोटेट करते हैं एंड फिक्स करते हैं कि उनको DC वोल्टेज मेजर करना है या DC करंट मेजर करना है या DC वोल्टेज मेजर करना है, AC वोल्टेज करना है या AC करंट करना है, रेजिस्टेंस करना है, ओवरलोड चेक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने कैसे पेपर पैटर्न में लिखना है, हमें पेपर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें सामने वाले चेकर को ये बताना है कि येस वी नो द प्रिंसिपल, वी नो द ब्लॉक डायग्राम, वी नो द वर्किंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, राइट। 6 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 पॉइंट कवर अप हो जाएगा। सो यहाँ पे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ DMM, ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल बीइंग मेजर्ड इनटू डिजिटल वैल्यू दैट कैन बी डिस्प्लेड। अभी एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं दोस्तों, एनालॉग सिग्नल अगर मान लो मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज का कैसा होगा, ये हो गया एनालॉग, है ना। अभी वो साइन वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, जो भी हो कंप्लीट वो साइकिल रहता है। और डिजिटल कैसा रहेगा, ऐसे डिस्प्ले के फॉर्म में आएगा। आपने डिजिटल डिस्प्ले देखा होगा, वो वॉचेस में होती हैं, अपने रेलवे ट्रैक के वो टाइम डिस्प्ले लिखे थे, दैट ऑल आर डिजिटल डिस्प्ले। तो यहाँ पे वेव को वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ADC बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल कवर हो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल वैल्यू में और वो डिस्प्ले होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए इट इज़ द साइन का फंक्शन होता है, राइट। कॉस करंट भी सेम फंक्शन होता है साइन का, आपने देखा होगा हम लोगों ने लिखा था V=VmSin ωt। तो ये कैसे वेव्स आएंगे, हमें वोल्टेज जब मेजर करेंगे तो हमें साइन के वेव्स में मिलेंगे, राइट। जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है हमारी, ये मीन वैल्यू हो जाती है, RMS वैल्यू। सो ये सारी चीज़ें थी जो BW में पढ़ी थी, वो उधर पढ़ने के बाद इधर हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अ कमर्शियल DMM कंसिस्ट ऑफ सेवरल, अभी DMM में क्या क्या होता है, पहले तो कन्वर्टर होता है, देन डिकेड काउंटर होता है, देन डिस्प्ले होता है, देन एटेन्यूएशन सर्किट होता है। एटेन्यूएशन सर्किट इज़ नथिंग बट एक ऐसा सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस कवर अप करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्यों कवर अप करते हैं, अगर मुझे ना मान लो रेजिस्टेंस ही मेजर करना है तो मैं वो एटेन्यूएशन का रेजिस्टेंस को ऑन कर दूंगी एंड देन मेजर करूंगी कि जो चीज़ में मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है वो, एंड मेरा एटेन्यूएशन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो,
वो दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है। एटेन्यूएशन का मुझे पता है ना, अभी यहाँ पे जिसका मुझे मेजर करना है वो वाला रेजिस्टेंस माइनस एटेन्यूएशन का, और डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा, तो मैं वो सर्किट का निकाल सकती हूँ जिसका मुझे मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल लगा के उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, एंड ये डीएमएम में होते क्या हैं उनकी बात हो गई। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं ब्लॉक डायग्राम की तरफ। अब ब्लॉक डायग्राम बनाना कैसे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बट डरना नहीं। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे दोस्तों? सर्कल बनाओगे, उसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डिनोशन दे दोगे। डिनोशन देने के बाद याद रखना, 1 से डीसी करंट, 2 से डीसी वोल्टेज, 3 से डीसी वोल्टेज, 4 से एसी करंट, एंड 5 से आप अपना एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर यानी कि वो सर्किट जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ रेजिस्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सबको कनेक्शन दे देना। देन कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, सिंस डीएमएम इज पैसिव तो उसको ना एक करंट सोर्स लगेगा, तो हम लोग को पहले करंट सोर्स को देना पड़ेगा, एटेन्यूएशन में जाएगा तो उधर से एक करंट सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ का करंट सप्लाई और मेरे जो दो एंड है वो मेजर कर रहे हैं वो वाला करंट, उसके ऊपर से हमें सारे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एटेन्यूएटर को आप बफर एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर दोगे। क्यों बफर एम्पलीफायर पे करना है? अगर इनकेस डिफरेंस कम आता है तो हम जब डिस्प्ले करने जाएंगे, ऐसे डिजिटल डिस्प्ले करने जाएंगे, तो हमें वो प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करंट एसी वालों को रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देना है, एंड डीसी करंट को आप करंट कर दोगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, आई गेट्स कन्वर्टेड टू वी। आई को वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम ये एटेन्यूएटर यहाँ पे वही काम करेगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे एडीसी में चला जाएगा। वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, देन यहाँ से वोल्टेज आया, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सॉरी करंट आया, ये दोनों कंबाइन होके एनालॉग में जाएंगे, वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन डिकेड काउंटर की कितना है, एंड देन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम। यहाँ पे इनपुट प्रोसेस रहेंगे जो भी है हमारे, फिर यहाँ से वो रोटेटरी स्विच में जाएगा, देन क्या करना है, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, ठीक है। ये चार चीज़ें आपने लिख दी, देन एटेन्यूएटर, ये सारे एक रेजिस्टेंस में, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पे रेक्टिफायर आ जाएगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, एनालॉग डिकेड एंड डिस्प्ले। सो है ना इजी? तो आपको ये बनाना है, काफ़ी इजी है। मेरा एक सजेशन रहेगा, प्लीज़ देख के मत जाओ, इसको बनाओ। अगर आप अपने हाथ से बनाओगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह होता है। एंड बाकी चीज़ें तो आपको पता है, ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल को मोस्टली डीसी करंट ही चाहिए रहता है, एसी करंट से वो नहीं ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। देन आपका करंट सोर्स यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, ये एसी भी चलेगा डीसी भी चलेगा, एंड देन यहाँ पे आप जो भी चीज़ें उसको मेजर कर सकते हो। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डीएमएम, ठीक है। तो डीएमएम आपको याद हो गया कि डीएमएम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है, एंड कोई इशू है इसमें तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइस। अब ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डीएमएम की वर्किंग कैसे होती है। नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर। एडवांटेजेस क्या है? हाई एक्यूरेसी, क्योंकि ये एडवांटेज देखो, हर एक पॉइंट अलग अलग चीज़ मेजर कर रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि वन नंबर से ही मैं डीसी भी वोल्टेज मेजर कर ले रही हूँ, एसी भी कर ले रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली दोस्तों, हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट के पास अपना अपना खुद का एक सर्टेन चीज़ मेजर करने का पावर है, राइट। सो हियर इट इज, देन व्हाट इज द सेकेंड एडवांटेज? अवेलेबल इन स्मॉलर साइजेस, ऑब्वियसली इतना सही रहता है वो मल्टीमीटर। कॉस्ट इज लेस, तो मैं इमेज दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आपका ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर ऐसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ अपना डीएमएम, कॉस्ट कम होता है, आउटपुट इज नॉट इंटरफेयर्ड, तो हम आउटपुट का इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, जो आउटपुट मेजर करे भाई उसको इंटरफेस कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, नीड ऑफ पावर सप्लाई, मैंने बोला ना इसको एक पावर सप्लाई, पहले हम लोग उसको एक सोर्स से कनेक्ट करना रहेगा, देन हमारा जो भी वैल्यू है वो मेजर करके बता सकता है। देन सफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक नॉइज एंड आइसोलेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज आ सकती है, आइसोलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रेंजेस दिए गए हैं, ये कहाँ से कितना क्या मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं डीसी वोल्टेज की बात करूँ तो डीसी वोल्टेज कितना कर रहा है दोस्तों, 200 मिली वोल्ट टू 1000 वोल्ट, ये आपको लिख लेना है।
ये आपका प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है तो हाँ टीचर को लगा ये एज अ चाइल्ड इज नॉलेजेबल, उसने एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेटिव एक्स्ट्रा लिख के रखी है। डीसी करंट माइक्रो एम्पियर टू 2000 मिली एम्पियर, एसी वोल्टेज, एसी करंट, रेजिस्टेंस, ओवरलोड प्रोटेक्शन, आप उसकी वैल्यू सारी देख रहे हैं, उसको फटाफट आप अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि आपका ये डीएमएम का जो आंसर है वो कंप्लीट रहे। सो ये थी पूरी कहानी डीएमएम की। नाउ लेट्स गो टू अनदर इंस्ट्रूमेंट। ये हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कवर अप कर लिया है, अभी हम जाते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज समवॉट फंक्शन जनरेटर। सो ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द फंक्शन जनरेटर वर्क्स? फंक्शन जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग एन ऑसिलेटर सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। हर एक वेव फ्रिक्वेंसी के लिए, हर एक वेव फॉर्म के लिए उसका एक स्पेसिफिक सिग्नल वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन जनरेटर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने बना के रखा है। सो स्टार्ट करते हैं समझना कि एक्चुअली ये ब्लॉक डायग्राम वर्क कैसे करता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हाउ डू दिस ब्लॉक डायग्राम वर्क? तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को सप्लाई करोगे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है दोस्तों, सप्लाई होती है एंड देन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में जाती है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या करता है दोस्तों, वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है एंड उसकी रेंज कितनी होती है, समवॉट 0.01 Hz to 100 kHz, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज वैरिड बाय द कैपेसिटर। अब यहाँ पे कैपेसिटर होता है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। देन दिस फ्रीक्वेंसी गोज इन अपर कॉन्स्टेंट करंट सोर्स और लोअर कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। अब ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों ना करंट डीसी करंट सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं दोस्तों, डीसी करंट सप्लाई करते हैं। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमारा ये वाला सोर्स चालू है, लोअर कॉन्स्टेंट सोर्स नहीं चालू है, ठीक है। और ये दोनों कैसे काम करते हैं, अगर मेरा अपर करंट I1 चालू है तो I2 करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये दोनों ना ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा I1 करंट जाएगा तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, सारी जितनी भी करंट उसको सप्लाई हो रही है उसको वो इंटीग्रेट कर देगा, और ये कैपेसिटर उधर जो लगा है उसके प्रेजेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। अब इंटीग्रेटर और कैपेसिटर का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो सारा का सारा करंट को इंटीग्रेट कर देगा। तो अगर मान लो करंट इंक्रीज होता है, मैं ग्राफ बनाऊँ कैपेसिटर के लिए, मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ जिसमें मुझे करंट का ये दिखाना है। यहाँ पे करंट है, मान लो अगर मेरा करंट इंक्रीज होगा तो मेरे कैपेसिटर में भी ज़्यादा करंट स्टोर हो जाएगा, एंड जैसे ही करंट डिक्रीज होगा वैसे कैपेसिटर सारा करंट को बाहर फेंक देगा, है ना। तो उस हिसाब से हमारा इंटीग्रेटर वर्क करता है, जितना भी करंट है उसको वो इंटीग्रेट कर लेता है। देन इंटीग्रेटर क्या करता है, उसको सप्लाई करता है वोल्टेज कंपैरेटर को। अब वोल्टेज कंपैरेटर क्या करता है दोस्तों, जब ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाता है, जब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाता है तो ये वोल्टेज कंपैरेटर क्या करता है, पूरे सर्किट को पलट देता है। पूरे सर्किट को पलट देने के बाद ये वाला जो सोर्स सप्लाई कर रहा है करंट लगातार, वो बंद हो जाएगा एंड ये I2 स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। I2 स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा, अब यहाँ पे I2 क्या है, करंट ले रहा है ना सारा चीज़, तो ये इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा टाइम के साथ, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि ये वाला जो वोल्टेज का वैल्यू है वो एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाएगा, फिर से ये वोल्टेज कंपैरेटर क्या कर देगा, चेंज कर देगा स्टेट को, फिर से ये बंद हो जाएगा देन ये चालू हो जाएगा। तो ये कैसे कर रहा है, अपने फंक्शन को ऐसे स्विच कर रहे हैं बार बार, ये अपने फंक्शन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्विच कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कब यूज़ होता है ऐसा कंडीशन, हमें जब ट्रबल शूटिंग पता करनी हो कि हमारे सर्किट में ट्रबल शूटिंग कहाँ हो रही है, अलाइनमेंट पता करना है रिसीवर का, ये सारी जब चीज़ें करनी रहती हैं तब हम क्या करते हैं, फंक्शन जनरेटर का यूज़ करते हैं। तब आप देख सकते हो कि वोल्टेज कंपैरेटर फिर क्या करता है दोस्तों, ये सारे जो वेव्स हैं आउटपुट एम्पलीफायर में अलग अलग वेव के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया है। हमारे फंक्शन इसमें लिखा था ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का वेव फॉर्म में। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डिजिटल जनरेट कर रहा है, यहाँ पे वेव है, यहाँ पे एनालॉग है, एनालॉग है, ठीक है, एंड देन ये एम्पलीफाई कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। अब यहाँ पे स्क्वायर वेव कब जनरेट होता है, वोल्टेज कंपैरेटर के आउटपुट में। साइन वेव कब जनरेट हो रहा है, साइन वेव देख सकते हो एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में है एंड एक साइन के फॉर्म में। अब साइन वेव कब जनरेट होता है दोस्तों, तब जनरेट हो रहा है जब हमारा करंट बाहर निकल रहा है एंड देन इधर क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा जो करंट है या फिर हमारा जो ट्रायंगुलर वेव वहाँ पे दिख रहा है वो रेजिस्टर डायोड नेटवर्क से जाता है एंड देन हमारे साइन वेव जनरेट हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्या बोल सकते हैं, फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको ये क्लियर है एंड किस तरह इसको प्रोसीड करना है। यहाँ पे कैपेसिटर में जितना भी करंट होगा दैट विल बी गेट ओपन
लाइक वो हमें किस तरह शोन होगा फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले में. तो अलग अलग कौन से फॉर्म्स हमें मिल गए, अलग अलग वेव्स कौन से मिल गए. एक तो हमें ट्राइंगुलर वेव मिल गया है ना. फिर एक हमें कौन सा वेव मिला है दोस्तों, एक हमारा डिजिटल वेव जैसा है स्ट्रक्चर, एंड देन एक हमारा साइन वेव है. ठीक है, सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेव दैट वी गेट एट द एंड आउटपुट एम्पलीफायर के बाद. सो फंक्शन जनरेटर तो ये हो गया. अब हम आ जाते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल ऑसिलोस्कोप. या आगे बढ़ने से पहले उसके कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, जैसे हमने DMM के देखे कि कौन कितनी चीज़ वो कर सकता है. तो सबसे पहले वो आउटपुट इम्पीडेंस कितना दे सकता है, आउटपुट इम्पीडेंस वो 50 ओम का दे सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट इट कैन आउटपुट एम्पलीट्यूड कितना. अगर मैं आउटपुट एम्पलीट्यूड की बात करूँ देन इट इज 10 पी पी इन द सेंस, मैंने ये एक्सप्लेन किया था VPP VMM है ना, पीक वैल्यू. देन फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी कितनी है, ऐसे स्पेसिफिकेशन डाल के आप लिख सकते हो वहाँ पे. तो इससे आपके सातवां पॉइंट के क्रिएट हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 0.05% है ना. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट आउटपुट कैसे कैसे फॉर्म्स में मिल रहे हैं हमें, साइन वेव में मिलता है, ट्राइंगुलर वेव में मिलता है, स्क्वायर वेव में मिलता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोल सकती हूँ मैं है ना, उसमें भी फॉर्म में मिल जाता है. देन और कुछ है, एक्यूरेसी कितनी हो सकती है इसकी, एक्यूरेसी इज प्लस माइनस 1%. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अपना स्पेसिफिकेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग डिजिटल फंक्शन जनरेटर. ठीक है, सो नाउ लेट अस गो टू द अनदर टॉपिक दैट इज DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर. अभी ये इसका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, सॉरी, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, द सिग्नल इज स्टोर्ड कैन बी स्टोर्ड, जो स्टोर सिग्नल करना है दैट इज डिजिटाइज एंड देन इट इज स्टोर्ड इन टू द डिजिटल मेमोरी. Additional circuitry is required to digitalize and store the signal into the memory. तो ये हमारा digital storage oscillator का principle है. और जो signal store होता है उसको हम conventional oscilloscope tube से display कर सकते हैं. तो एक बार block diagram पे नज़र डाल देते हैं दोस्तों. So इसका block diagram आप देख सकते हो, not actually block diagram नहीं है but yeah, एक function assume कर सकते हो कि function कैसे होता है. तो देखते हैं, सबसे पहले इनपुट आएगा इनपुट एटेन्यूएटर के पास. ठीक है, इनपुट एटेन्यूएटर के पास आने के बाद वर्टिकल एम्पलीफायर के पास चला जाएगा. अभी जो इनपुट है, मान लो वो अगर रेजिस्टेंस से कुछ थोड़ा सा वैरी किया, उसका सिग्नल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वर्टिकल एम्पलीफायर को वो कनेक्टेड है ना. एंड ये कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप में ऐसे ही होता है, द सिग्नल इज अप्लाई टू द वर्टिकल एम्पलीफायर. फिर जो आउटपुट होगा वर्टिकल एम्पलीफायर का, यहाँ से ये ना एक ADC को कनेक्टेड, व्हाट इज ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को ये कनेक्ट रहता है. अब इसमें क्या करते हैं, वो जो भी हमारा इनपुट है उसका स्पीड, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, ये सब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में आ जाता है, बट वो हमें इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हम अपना जो आउटपुट है जो आगे हमें ट्रिगर सर्किट को देना है वो एकदम एक्यूरेट रहे, राइट. तो यहाँ से ये आउटपुट चला जाएगा ट्रिगर सर्किट के पास. एंड ये सर्किट क्या करता है, उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल लॉजिक लगाएगा एंड देन उसको वो आगे प्रोसीड कर देगा. देन यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे ADC में हमें मिलता है, एनालॉग टू डिजिटल डिजिटाइज करते हैं हम लोग, जो डिजिटल सिग्नल बना देते हैं उसमें क्या हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं. ये इनपुट का क्या करते हैं, हर एक इंटरवल में छोटे छोटे सैंपल्स ले लेते हैं. एंड वो सैंपल लेने के बाद हम इंश्योर करते हैं कि जो भी सैम्पलिंग इनपुट है या फिर सैम्पलिंग का रेट है वो हमेशा जो फ्रिक्वेंसी से इनपुट आ रहा है, ये जो फ्रिक्वेंसी से इनपुट आ रहा है वो फ्रिक्वेंसी का हमेशा डबल रहे. क्या रहे दोस्तों, हमेशा डबल रहे. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर, ताकि जो हमारे सैम्पलिंग थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो जाए. तो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट में क्या करते हैं, हम लोग सारे सैम्पल्स लेते रहते हैं इनपुट सर्किट का फटफट, देन उसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. देन मेमोरी क्या करता है, स्टोर, राइट, स्टोर करके रखता है. एंड यहाँ ट्रिगर सर्किट से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको भी वो स्टोर करके रख रहा है आगे, आप देख सकते हो. देन क्या होता है, जो भी हमारा स्टोरेज डेटा है, जो भी हमें इनपुट के बारे में पता चला ये सैम्पलिंग करके, ये सैम्पलिंग थ्योरम से है ना, उसके हिसाब से हम लोग ने लिया ना सैंपल दोस्तों. अभी ये सैंपल का रेट क्या होता है पता है, कभी कभी ना ये सैंपल का रेट हो जाता है 100,000 सैंपल वो एक सेकेंड में ले सकता है. तो सोचो कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमने लगने वाली है.
सॉरी, तो ये मेमोरी साइज जो हमें लगने वाली है ना वो किस पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पर डिपेंड करता है जिसको डिवाइड किया गया है टाइम बेसिस पे। अगर मेमोरी साइज 1K है तो उसको हम लोग 1000 हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसको डिवाइड किया गया। तो अगर मैं दो सिग्नल की बात, एक सिग्नल की बात करूँ तो उसके लिए मेमोरी लग जाती है 4096, दो चैनल की बात करूँ तो 2048 2048, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेमोरी साइज डिपेंडेबल है। देन जितनी भी डेटा यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट हो गई है वो हम कर देंगे कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? डिजिटल टू एनालॉग में उसको वापस कन्वर्ट कर देंगे। देन क्या होता है, जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई उसको हम लोग एम्पलीफायर्स में डालते हैं। एम्पलीफायर में डालने के बाद ये कैथोड रे ट्यूब है, ये हमें वो डिस्प्ले दिखा देता है वेव के फॉर्म में। सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट, जहाँ पे उसका मेन रुकावट आ जाता, रुकावट नहीं बोल सकते, मेन स्टॉप आ जाता है हमारा मेमोरी, एंड देन हमारा आउटपुट जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट, आई होप आपको ये क्लियर है। बनाना भी काफ़ी सिंपल है, बस ये याद रखना कि जो ट्रिगर सर्किट से इन्फॉर्मेशन है वो सैम्पल होल्ड सर्किट एंड A to D एंड मेमोरी तक जानी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्रिगर सर्किट एंड कंट्रोल लॉजिक भी आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिगर सर्किट का इन्फॉर्मेशन ना जहाँ तक हमें पता है वो कंट्रोल लॉजिक से जाएगा। सो यहाँ पे एक करेक्शन कर लो बस, ठीक है। पहले ट्रिगर सर्किट टाइमिंग कंट्रोल लॉजिक देगा, देन कंट्रोल लॉजिक का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होने वाला है, ट्रिगर सर्किट का इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर होगा। क्योंकि कॉमन सेंस ना दोस्तों, वर्टिकल एम्पलीफायर में जो ADC कन्वर्टर है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहले ट्रिगर सर्किट को भेजेगा। ट्रिगर सर्किट के पास तो रॉ इन्फॉर्मेशन है, वो रॉ इन्फॉर्मेशन इधर भी तो जा रही है, तो इसके लिए हमें ट्रिगर सर्किट में भेजने के बाद लॉजिक लगा के जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको आगे भेजना है। सो दिस इज द होल डायग्राम, आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे डाल दो, ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये मेमोरी में से किसे हॉरिजॉन्टल हमने बोला ना, वो मेमोरी का जो स्पेस है वो लाइक इस पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल चिप्स पे रहता है मोस्टली। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हॉरिजॉन्टल डिजिटल, ठीक है, एंड कैथोड रे ट्यूब में हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। सो दिस इज होल अबाउट, होल इन्फॉर्मेशन अबाउट DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब देखते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो नहीं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टोरेज टाइम इज इन्फाइनाइट, मैंने बोला ना मेमोरी का उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं, जितनी मेमोरी चाहिए हम उतनी मेमोरी ले सकते हैं। इजी टू ऑपरेट, कंपैटिबल, ट्रेसेस कैन बी स्टोर एंड रिकॉल्ड, मैंने वो ट्रिगर सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सैम्पल का रेट का ट्रेसेस था या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर ने भेजी उसको हम स्टोर करके वापस बुला भी सकते हैं। प्री ट्रिगरिंग फीचर्स भी है इसमें। एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये AC DC वोल्टेज को मेशर करने के लिए यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी को मेशर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम पीरियड को मेशर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली, टाइम इंटरवल को भी मेशर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिग्नल्स बचाता है एंड मॉड्यूलेशन भी बता दे रही है कितनी मॉड्यूलेशन की गई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा DSO, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख के ले लो फटाफट, डिसएडवांटेजेस तो फिलहाल नहीं है। एंड इसका जो सैम्पलिंग रेट है, हम लोग अगर सैम्पलिंग रेट की बात करें जो हम स्पेसिफिकेशन में हाईलाइट करना पसंद करेंगे, दैट इज 20 मेगा सैम्पल्स, ठीक है। तो 20 मेगा सैम्पल्स ये पर सेकेंड में सैम्पलिंग रेट पे जाता है। देन प्री ट्रिगरिंग फीचर है जो हमेशा परसेंट, जो प्री ट्रिगरिंग फीचर है ना दोस्तों वो ट्रिगर सर्किट में वो हमेशा परसेंट पे रहता है, तो 25% हो गया, 50% हो गया, इससे वो ट्रिगर करेगा सर्किट को, ठीक है। सो दिस इज द प्री ट्रिगरिंग फीचर एंड आई होप आपको ये क्लियर है। अब जानते हैं कि एक्चुअली जो हमें पावर सप्लाई है वो लगता क्यों है, तो नीड ऑफ AC DC पावर सप्लाई एक्चुअली हमें जो है वो लगता क्यों है। अब कोई भी सर्किट रहने दो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहने दो, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राइट, सर्किट, इंस्ट्रूमेंट, तो पहला चीज हमने लिख दिया। देन क्या होगा, जो भी हमें ट्रांजिस्टर्स है, जो भी हमारे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी, अब ट्रांजिस्टर्स है, देन उसके बाद रेक्टिफायर्स है, रेक्टिफायर्स के बाद हमारे एम्पलीफायर्स है, तो ये सारी चीज में लगेंगी, तो हम लोग लिख देंगे टू स्मूथली ऑपरेट
ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, है ना, इनको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए लगेगा. ये मस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता ही है. देन क्या आ जाएगा, पावर सर्किट, पावर जो हमें घर में लगता है वो भी डाल सकते हैं हम लोग, है ना, एसी टू डीसी कन्वर्जन्स, है ना, उसके लिए हमें पावर सप्लाई लगेगा. और क्या डाल सकते हैं दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई डिवाइसेस में लगते हैं, पावर अप करने के लिए, टू पावर अप एनी सॉकेट. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हो. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई. अभी रेगुलेटेड पावर सप्लाई वर्क कैसे करता है वो जान लेते हैं. अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिंपल है. अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि पावर सप्लाई हेल्प अस टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, तो वही है यहाँ पे. एसी मेंस में आप देख सकते हो 230 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है. तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 बहुत सारे से उसके फॉर्म में रह सकती है, राइट. अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी किसको कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर को कनेक्टेड है. ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जब हम बीडब्ल्यू का ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ये दोनों ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले, सो नो नीड टू वरी. इसमें दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. तो ये जो एसी मेन है वो प्राइमरी कॉइल पे कनेक्टेड है. एंड ये जो कॉइलिंग है ना दोस्तों, कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये किस पे की जाती है पता है, एक रेशियो पे की जाती है. सब पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है, वो रेशियो के हिसाब से करेंगे. तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखना, प्राइमरी को ये एसी कनेक्टेड है एंड ये स्टेप डाउन कर देता है. स्टेप डाउन कर देना इन द सेंस, यहाँ पे एक ऐसे लेवल तक ले आएगा एसी करंट, एसी वोल्टेज को, कि हम वो रेक्टिफायर के हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, क्या बोला मैंने दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करती हूँ. ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो जाएगा, एक ऐसे लेवल तक गिरा देगा कि हम उसको एसी से डीसी में इजीली कन्वर्ट उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है इसको प्रोसीड करते वक्त. अब रेक्टिफायर सर्किट का क्या काम हो जाएगा, एसी करंट, एसी वोल्टेज आ गई, उसको कन्वर्ट कर दो डीसी वोल्टेज में. अब वो डीसी वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करेगा. अब यहाँ पे वो जो एसी को डीसी में करने के लिए ऐसे पल्सेटिंग क्रिएट हो जाएगा एंड यूनिडायरेक्शनल है. अभी ऐसे ऐसे आ रहा था पहले, अब वो ऐसे ऐसे पूरे से पल्सेटिंग जैसा आ जाएगा. ठीक है, एंड देन वो रेक्टिफाइड वोल्टेज को आगे वो फिल्टर में भेज देगा. अब फिल्टर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, रेक्टिफायर में वो रिपल्स अभी भी क्रिएटेड, अभी भी ज़्यादा रिपल्स ऐसे नहीं, प्रॉपर नहीं है, लेकिन पल्सेटिंग है, बट यहाँ पे प्रॉपर रिपल्स क्रिएटेड है. तो वो रिपल क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर. फिल्टर्ड अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज ही देता है, बट यहाँ पे जो रिपल्स का अमाउंट है ना वो कम हो जाता है, वो थोड़ा सा स्मूथ कर देता है वेव को, ताकि जो हमारा एसी जो इतना घड़घड़ वैसे उबड़ खाबड़ रेंज में आया है वो आके थोड़ा सा स्मूथ फॉर्म में चला जाए. ठीक है, एंड देन वी हैव द रेगुलेटर. रेगुलेटर क्या करता है, सारा का सारा रिपल निकाल देता है एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्ट्रेट डीसी वोल्टेज. तो एक स्ट्रेट डीसी वोल्टेज के फॉर्म में हमें हमारा करंट मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई का फंक्शन इतना ही है, इसका ब्लॉक डायग्राम था. एंड द आउटपुट इज ऑलवेज अ डीसी सप्लाई. आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, हमें डीसी सप्लाई मिलेगा, डीसी वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वी चेंजेस. ठीक है, और वो इस पे अगर इनपुट मैंने चेंज किया तो हमारा डीसी वोल्टेज का भी वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं, दैट इज गोइंग टू बी सेम डीसी ही मिलेगा हमें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई. आई होप आपको ये वाला ब्लॉक डायग्राम भी क्लियर हो. अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों रेक्टिफाई करना चाहिए, क्यों हम लोग को एसी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एसी के अंदर ना ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, ज़्यादा करंट आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं. डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में अगर मैंने 50 का सप्लाई किया तो 50 ही चलेगा, बहुत कम है, बट उतना सप्लाई किया तो उतना ही चलेगा. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कितना सप्लाई कर रहे हैं और हमें कितना मिलेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, रेगुलेटेड पावर सप्लाई. इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने नोटबुक में ऐसे साथ में नोट्स बनाते जाओ. स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, सो दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर. तो प्रिंसिपल क्या कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, अभी दोस्तों ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिसमें ना दो वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स होती है बेसिकली, ऐसा समझ लो. एंड वो वाइंडिंग्स की वजह से ना इंडक्शन आ जाता है, इंडक्शन आ जाता है, करंट इंड्यूस होता है एंड उसकी वजह से हम या तो एक लिमिटेड करंट सप्लाई करके करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं या तो उसको कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉइल्स. तो ये ट्रांसफार्मर का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है. एंड यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या कहता है, वेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव कॉमन वाइंडिंग. ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही में वाइंड कर दिया जाता है, इसके लिए उसको बोला जाता है वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं कंसिडर करूँ पॉइंट ए से लेकर बी तक,
तो यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग है एंड देन यहाँ पे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक ही कंबाइन किया, तो यहाँ पे मैं प्लस ली हूँ, यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ से करंट मेरा जा रहा है, यहाँ पे करंट दो पार्ट में बट गया एंड देन ये कैसे आ जाएगा, I2 इधर आ जाएगा, I2 ऐसे फ्लो होगा, सो I1 माइनस I2 का करंट इतने एरिया में रहेगा एंड I2 इधर बाहर, KCL अपना बेसिक कंसेप्ट है ना, तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये V2 का अगर मैं रेशियो ले लूँ उसके नंबर ऑफ टर्न्स है वो इक्वल रहने वाला है ये वाले V1 के रेशियो से, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने टर्न्स है, तो इसको बोला जाता है टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है ये वाले वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग, वहाँ पे थोड़े अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूज हो जाते हैं, ओमिक लॉस कम हो जाएगा, देन यू कैन हैव कोर लॉस कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा मटेरियल नहीं लगेगा मुझे ट्रांसफार्मर में, एक ही वाइंडिंग करके मेरा दोनों काम हो जा रहा है, सेकेंडरी का भी काम कर दे रहा है और प्राइमरी का भी काम कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का इस तरह हेल्प हो जाएगा मुझे। इसके डिसएडवांटेज क्या है, लीकेज, यहाँ पे जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स यानी कि जो हमारे लाइंस होने वाले उसका थोड़ा सा लीकेज हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा सेम है, राइट, कनेक्शन क्या है दोनों का सेम है, जिसके वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। अभी यहाँ पे कनेक्शन सेम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन कैसे आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट नेगेटिव है ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे यहाँ पे चीज़, और यहाँ पे आइसोलेशन वाला पार्ट नहीं मिलेगा हमें, क्या मिलेगा दोस्तों, आइसोलेशन वाला पार्ट नहीं मिलेगा जो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में मिलता है। मैंने यहाँ पे देखो बताया था आपको, ट्रांसफॉर्मर है ये, इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, तो क्या इस प्रकार का आइसोलेशन यहाँ मिलेगा हमें, नहीं, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी कंबाइन एक साथ होने लग जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इशू। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इसको हम लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं लाइन्स में, कि अगर मान लो ये सारे ट्रांसफार्मर हमारे घर में सप्लाई होने वाली जो लाइन होती है टॉवर्स की उसको कनेक्टेड है, तो इससे हमारा वोल्टेज तो एटलीस्ट मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऑटो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द एमीटर। सो स्टार्टिंग विद द एमीटर गाइस, एमीटर का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। क्या सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी कोई भी करंट मेजर करना है तो हमें एमीटर को क्या करना पड़ता था, सर्किट में अरेंज करना पड़ता था एंड मेक श्योर करना पड़ता था कि वो रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा सा पैरेलल में आ जाए, ठीक है। एंड हम लोग कभी भी कोई भी सर्किट का रिडक्शन करते थे, पूरा उसको रिड्यूस कर देते थे, रिप्लेसमेंट, ऐसा हमने सीखा था ना BW में, रिप्लेस द सर्किट विद द करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो ये एमीटर उसी फंक्शन पे वर्क करता है। एमीटर के पास एक बेसिक मीटर होता है जिसको डीआरसनोनोवल गैल्वेनोमीटर या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं, तो वो वाला बेसिक मीटर होता है जो रेजिस्टेंस उसके पास खुद का रहता है। देन इसको पैरेलल एक शंट रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया है दोस्तों, एक शंट रेजिस्टर है, इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। अब पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे जो दो पॉइंट नोड्स क्रिएट हो रहे ए बी जंक्शन या फिर CD, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो सेम है AB का एंड CD का। AB का वोल्टेज कैसे मिलेगा, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, ये शंट रेजिस्टर है, तो मान लो यहाँ पे ISH जा रहा है। व्हाट इज ISH? ISH इज नथिंग बट हमारा शंट करंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे RM है यानी कि मीटर है, यहाँ पे मान लेते IM करंट जा रहा है, तो इसके लिए VAB यानी कि ये करंट इंटू रेजिस्टर, VCD यानी कि ये करंट इंटू रेजिस्टर। बट हमें पता है टोटल करंट किसको इक्वल है, शंट का करंट माइनस मीटर का करंट, मीटर में जितना करंट जा रहा है ना। बाय मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट, अगर हम शंट को कंसिडर करें, शंट का मल्टीप्लाइंग पावर यानी कि शंट की वैल्यू कैसे पूरे सर्किट का वैल्यू ऊपर नीचे कर सकती है, तो उसका रेशियो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ये तीन चीज़ें हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट रट के मतलब नहीं है, वो आया कहाँ से है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई नो न्यूमेरिकल कवरअप करने का इतना टाइम नहीं है, बट या दिस विल हेल्प यू आउट, ये तो आपको श्योरली हेल्प कर ही सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एमीटर। एमीटर का फंक्शन कैसे करता है, जो करंट जाएगा ये शंट की वैल्यू आने के बाद वो एम पता चल जाएगा, एम की वैल्यू से आप इजीली अपना करंट निकाल सकते हो या रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अपना एमीटर का कहानी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एमीटर का इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको डिराइव करके बता देना। डिराइव करने के बाद आप उसका जो मेन वैल्यू है, जैसे कि I स्टैंड्स फॉर टोटल करंट इन द सर्किट, RSH स्टैंड्स फॉर शंट रेजिस्टर,
IM. IM stands for the current flowing through the meter, यानी कि पूरा डिफ्लेक्शन करंट आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा. देन ISH. ISH इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, है ना. सो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, एंड आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एमीटर. एमीटर के टाइप्स है, मल्टी रेंज एमीटर, यूनिवर्सल शंट एमीटर, है ना. तो वो सब आप कर लेना, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कुछ उसमें टफ नहीं है. सेम प्रिंसिपल है वर्किंग का, बस उसमें कनेक्शन जो है शंट रेजिस्टर्स के वो थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है. एंड हमारा अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूँ, आपके बुक में जो डायग्राम है उसमें तीन तीन रेजिस्टर्स है एंड एक स्विच लगी हुई है, जैसे हमारे इसमें थी वर्किंग है. सो उसको आप उस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो अभी हम जाते हैं हमारे वोल्ट मीटर, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. तो वो कैसे आ जाएगा, चलो यहीं पर बना लेते हैं. वोल्ट मीटर यानी एनालॉग वोल्ट मीटर, है ना. बेसिक डीसी मीटर. ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या करना होगा, रेजिस्टर्स को ना सीरीज में कनेक्ट करके रखना होगा. तो यहाँ पे मान लो प्लस, यहाँ से मेरा करंट आया, सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ये मीटर कनेक्ट हो गया एंड यहाँ से मेरा करंट बाहर चला गया. दिस इज माई आई, दिस इज माई शंट रेजिस्टेंस, दिस इज माई मीटर दैट इज आर एम, एंड यहाँ पे मेरा करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो ये मैं बोल देती हूँ मेरा डीसी वोल्टेज है, इसकी वैल्यू ले लेती हूँ वी. तो यहाँ पे सेम चीज़ें ले लेते हैं, इसमें जो करंट जा रहा है आई एम है, इसमें जो करंट है वाई एस एच है, सेम ही करंट है, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर है. मैंने बोला ना यहाँ पे क्या लगता है हमारा, डी आर्सेनोबल गैल्वनेट मीटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट मूविंग कॉइल, ठीक है. और यहाँ पे मैंने अपना डीसी वोल्टेज कनेक्ट करके रखा है. हमारा इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो आप, डीसी वोल्टेज या बोल लो या इनपुट बोल लो. तो मुझे टोटल ये डीसी वोल्टेज की वैल्यू कितनी रहेगी, टोटल करंट कितना है दोस्तों मेरा आई. एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर से आई एस एच आई एम, तो इसको मैं बोल सकती हूँ मेरा आई एम करंट है पूरा. एट द एंड मुझे आई एम ही मिल रहा है पूरे सर्किट में, आर एस एच प्लस आर एम. तो ये हो गया मेरा वोल्टेज का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मल्टीप्लाइड बाय सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर एस. यहाँ पे शंट नहीं रहता, सॉरी फॉर दैट, बट सीरीज रेजिस्टेंस बोल सकते हो. देन इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा मीटर का एंड सारी चीज़ें, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आर एस कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, आप इसकी वैल्यूज को अरेंज करोगे, तो आपको आर एस एच का वैल्यू आ जाएगा. आर एस एच का वैल्यू किसको इक्वल रहने वाला है दोस्तों, आपका जो भी वोल्टेज रहेगा, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, एंड दिस विल बी माइनस आर एम, जो भी ये इन मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट डीसी वोल्ट मीटर. यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस करें, तो शंट बोल लो या सीरीज रेजिस्टर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा चैप्टर. चैप्टर का नाम क्या था एक बार वो याद कर लेते, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते जो हमें इलेक्ट्रिक चीज़ें मेजर करने के लिए हेल्प करते, तो हमने देखा DMM है, DSO है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, देन हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह, रेक्टिफायर वगैरह वगैरह सब चीज़. सो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से थियोरेटिकल में लिख कर ही पढ़ लेना. लिख कर पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस पक्का आ जाएगा कि आप इसको एकदम एग्जाम में उतार सकते हो. पहले से तैयारी करके जाओगे ना तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अब भी तैयारी नहीं करोगे, रिग्रेट करोगे, नहीं हो रहा है बोलोगे, तो फिर नहीं होगा. लेकिन जब आप बोलोगे कि नहीं भाई होगा मुझसे, नहीं भाई मुझे करना ही है, अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करने वाला है, आपको खुद ही को बचाना है, राइट. तो इसके लिए उठ जाओ, अभी से तैयारी शुरू कर दो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. कॉमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, जो भी डाउट रहेगा आस्क अस. एंड वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. गुड बाय, टेक केयर.